चैप्टर वन लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ फ्रॉम क्लास सिक्स सब्जेक्ट सोशल साइंस बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड थीम ए इंडिया एंड द वर्ल्ड लैंड एंड द पीपल भारत और विश्व भूमि और लोग दिस फर्स्ट थीम इंक्लूड्स द बेसिक्स ऑफ द जियोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लैनेट एंड द वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन अ मैप इस पहले थीम में हमारे चारों ओर के भूगोलिक विश्व के बुनियादी तत्व शामिल हैं हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताएं और उन्हें नक्शे पर कैसे दर्शाया जाए व्हाई इज दिस थीम इम्पॉर्टेंट व्हेन टुडे वी कैन गेट एक्सीलेंट मैप्स ऑन अ मोबाइल फ़ोन यह थीम महत्वपूर्ण क्यों है जब आज हम मोबाइल फ़ोन पर उत्कृष्ट नक्शे प्राप्त कर सकते हैं बिकॉज इट डील्स विद मच मोर देन मैप्स क्योंकि यह केवल नक्शों से अधिक है इट ऑल्सो आस्क हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स ओशंस माउंटेन्स रिवर्स एक्सेट्रा हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइजेशंस थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज यह भी पूछता है कि कैसे भूगोलिक विशेषताएं, महासागर पर्वत नदियां आदि ने इतिहास में पूरे सभ्यताओं को आकार दिया है इट इज ऑल्सो इन इंडियाज केस अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग has contributed to giving this ancient civilization a unique identity. भारत के मामले में यह भी है कि कैसे इसकी प्राकृतिक सेटिंग ने इस प्राचीन सभ्यता को एक अद्वितीय पहचान देने में योगदान दिया है अध्याय एक पृथ्वी पर स्थान ढूंढना The globe of the earth stands in space made up of water, earth, fire and air and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. Aryabhata, about 500 CE. पृथ्वी का ग्लोब अंतरिक्ष में खड़ा है जो पानी पृथ्वी आग और हवा से बना है और गोलाकार है यह सभी प्राणियों से घिरा हुआ है स्थलीय और जलीय दोनों Imagine that you are visiting a city for the first time. कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी शहर में जा रहे हैं How would you find the places you want to visit? आप उन स्थानों को कैसे ढूंढेंगे जहां आप जाना चाहते हैं You might ask a local person for help or you might look at a map of the city. आप किसी स्थानीय व्यक्ति से मदद मांग सकते हैं या आप शहर के नक्शे को देख सकते हैं In previous grades, you learnt a little about maps and in this chapter, we will study them in more detail. पिछली कक्षाओं में आपने नक्शों के बारे में थोड़ा सीखा था और इस अध्याय में हम उन्हें अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे Let us play a game. चलिए एक खेल खेलते हैं Examine the map of this small city, figure 1.1. Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. इस छोटे शहर के नक्शे चित्र 1.1 का अध्ययन करें कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे हैं और आप नक्शे में दिखाए गए बैंक जाना चाहते हैं विच वे वुड यू गो आर देयर अदर पॉसिबल वेज आप किस रास्ते जाएंगे क्या अन्य संभव रास्ते हैं कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन द स्कूल एंड द म्यूजियम क्या आप सार्वजनिक उद्यान स्कूल और संग्रहालय का पता लगा सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो यदि आप बैंक से बाजार की ओर जाना चाहते हैं तो आप किस रास्ते जाएंगे दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी यह वह जगह है जहां एक नक्शा काम आता है सो दिस इज द रेलवे स्टेशन दिस इज बैंक नगर पंचायत अपार्टमेंट्स हॉस्पिटल मार्केट स्कूल म्यूजियम अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम नक्शा एक खजाने के मार्गदर्शक की तरह है यह आपको चीज़ों के स्थान और वहां कैसे पहुंचना है यह दिखाता है नोटिस द फोर एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल नक्शे के ऊपर दाएं कोने में चार तीरों पर ध्यान दें हम जल्द ही देखेंगे कि वे कुछ विशिष्ट दिशाओं की ओर इशारा करते हैं और नक्शों को और भी अधिक उपयोगी बनाते हैं अ मैप एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स नक्शा और इसके घटक फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड डैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया
इट मे बी अ स्मॉल एरिया अ विलेज अ टाउन एक्सेट्रा अ बिगर एरिया से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड इन अ मैप यू लुक एट द सर्फेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। इस सरल उदाहरण से हम समझते हैं कि नक्शा किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व या चित्रण है। यह एक छोटा क्षेत्र, एक गांव, एक शहर आदि हो सकता है, एक बड़ा क्षेत्र जैसे आपका जिला या राज्य, या एक बहुत बड़ा क्षेत्र जैसे भारत या यहां तक कि पूरा विश्व। नक्शे में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देख रहे हैं। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एक एटलस नक्शों की किताब या संग्रह है। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स। जैसे कि आप खोजेंगे कई प्रकार के नक्शे होते हैं। फर्स्ट फिजिकल मैप्स विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स ओशंस एंड रिवर्स। सी एन एग्जाम्पल इन फिगर 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक। भौतिक नक्शे जो मुख्य रूप से कुछ प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत महासागर और नदियाँ दिखाते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में चित्र 5.2 में एक उदाहरण देखें। सो फ्रेंड्स दिस इज फिगर 5.2। सेकेंड पॉलिटिकल मैप्स विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स बाउंड्रीज सिटीज एक्सेट्रा। फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। दूसरा राजनीतिक नक्शे जो देशों या राज्यों सीमाओं शहरों आदि का विवरण दिखाते हैं। उदाहरण के लिए भारत का एक नक्शा जिसमें इसके सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। नेक्स्ट थीमेटिक मैप्स विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फिगर 6.3 एंड फिगर 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक। सो फ्रेंड्स दिस इज फिगर 6.3 एंड दिस इज फिगर 8.1। थीमेटिक नक्शे जिसमें विशिष्ट प्रकार की जानकारी होती है। उदाहरण के लिए इस पाठ्यपुस्तक में चित्र 6.3 और चित्र 8.1। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स डिस्टेंस डायरेक्शन एंड सिंबल्स। नक्शों के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं दूरी दिशा और प्रतीक। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू वाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1.1। लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रिसाइसली। आपने पहले 2 का अनुभव पहले ही चित्र 1.1 में नक्शे को नेविगेट करते समय किया है। अब हम उन्हें और अधिक सटीक रूप से परिभाषित करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ा स्थान एक छोटे कागज के टुकड़े पर कैसे फिट हो सकता है। इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। यह सब नक्शे के पैमाने के कारण है। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी फिगर 1.1। चलिए छोटे शहर के नक्शे चित्र 1.1 पर वापस आते हैं। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लेट अस सपोज इट इज 500 मीटर्स। वी से डैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। नक्शे में मुद्रित यहाँ का प्रत्येक सेंटीमीटर जमीन का एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। मान ले कि यह 500 मीटर है। हम कहते हैं कि पैमाना 1 सेंटीमीटर 500 मीटर है। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। अब इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 में चित्र 5.2 में भारत के नक्शे पर जाएं। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विद 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। नीचे बाएं कोने में एक पैमाना दिखाया गया है जिसमें इसकी लंबाई के ऊपर 500 लिखा है और बगल में किलोमीटर यानी कि KM। इट सिंपली मीन्स डैट दिस रूलर विच मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप कॉरस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। इसका सरल अर्थ है कि यह पैमाना जो मुद्रित नक्शे में 2.5 सेंटीमीटर मापता है जमीन पर 500 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करता है। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। तो नक्शे में दर्शाए गए 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस पैमाने पर निर्भर करती है जिसे नक्शा उपयोग कर रहा है।
Let us return to the four arrows at the top right of the small city's map. चलिए छोटे शहर के नक्शे के शीर्ष दाएं कोने में चार तीरों की ओर लौटते हैं. They point to four directions which are north at the top and moving clockwise east, south and west. वे चार दिशाओं की ओर इशारा करते हैं जो शीर्ष पर उत्तर है और दक्षिणावर्त, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम है. These are called the cardinal directions, also cardinal points. इन्हें कार्डिनल दिशाएं या कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है. अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड. नॉर्थ ईस्ट NE, साउथ ईस्ट SE, साउथ वेस्ट SW एंड नॉर्थ वेस्ट NW. इनके अलावा मध्यवर्ती दिशाएं भी होती हैं. उत्तर पूर्व NE, दक्षिण पूर्व SE, दक्षिण पश्चिम SW और उत्तर पश्चिम NW. Most maps simply have an arrow marked with the letter N, which points to the north direction. अधिकांश नक्शों में केवल एक तीर होता है जिस पर N अक्षर होता है जो उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है. Symbols are another important component of maps. प्रतीक नक्शों का एक और महत्वपूर्ण घटक है. Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements. But there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. हमारे नक्शे में वास्तविक इमारतों और कुछ अन्य तत्वों की छोटी ड्राइंग्स हैं, लेकिन बड़े शहर या देश के नक्शे पर उन सभी को ड्रॉ करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी. Instead, a symbol is used to represent these features. Symbols for different kinds of buildings, for instance, a railway station, a school, a post office, for roads and railway lines, and for natural elements such as a river, a pond or a forest. इसके बजाय एक प्रतीक का उपयोग इन सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है. विभिन्न प्रकार की इमारतों के प्रतीकों के लिए, जैसे रेलवे स्टेशन, स्कूल, डाकघर, सड़कों और रेलवे लाइनों के लिए, और प्राकृतिक तत्वों जैसे नदी, तालाब या जंगल के लिए. In that way, numerous details can be shown in the limited space available on a map. इस तरह नक्शे पर उपलब्ध सीमित स्थान में कई विवरण दिखाए जा सकते हैं. To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. नक्शों को विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए नक्शा निर्माता विशिष्ट प्रतीकों का उपयोग करते हैं. Different countries use different sets of symbols. विभिन्न देशों के अलग अलग प्रतीकों के सेट होते हैं. द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया और पार्ट्स ऑफ इंडिया. अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12. भारत के नक्शों या भारत के हिस्सों के लिए भारत सरकार का एक निकाय सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रतीकों का एक सेट निर्धारित किया है. उनका एक छोटा चयन चित्र 1.2 में पृष्ठ 12 पर दिखाया गया है. फिगर 1.2, अ सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन मैप्स. दीज आर रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन, रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड, बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास. मैपिंग द अर्थ, पृथ्वी का मानचित्रण. मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस. पृथ्वी का मानचित्रण करना थोड़ा कठिन है क्योंकि हमारा ग्रह एक सपाट सतह नहीं है. इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फीयर. इसका आकार लगभग एक गोले के जैसा है. वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. हम लगभग कहते हैं क्योंकि यह एक पूर्ण गोला नहीं है लेकिन ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है. हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इट टू बी स्फेरिकल. हालांकि व्यवहार में हम इसे गोलाकार मानेंगे. रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल.
एक सपाट कागज के टुकड़े पर गोले को सही ढंग से दर्शाना संभव नहीं है। टू अंडरस्टैंड वाई पील एन ऑरेंज इन सच अ वे डेट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसीज ऑफ द स्किन देन ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन अ टेबल यू विल सी डैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टेयरिंग देम एट द एजेस। इसे समझने के लिए संतरे को इस तरह से छीलें कि आपके पास सिर्फ 3 या 4 बड़े टुकड़े हों, फिर उन्हें एक मेज़ पर समतल करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि इसे बिना किनारों पर फाड़े समतल करना संभव नहीं है। नाउ कंसिडर अ ग्लोब विच इज़ अ स्फेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। अब एक ग्लोब पर विचार करें जो एक गोला है जिस पर एक नक्शा खींचा गया है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ द मून द प्लैनेट मार्स द स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई एक्सेट्रा। यह पृथ्वी चंद्रमा मंगल ग्रह आकाश के सितारों और तारामंडल का नक्शा हो सकता है आदि। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोन इन द ड्रॉइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्फीयर डेट इज जनरली मेड ऑफ मेटल प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। भौतिक वस्तु जैसे कि अगले पृष्ठ पर दिखाए गए ड्रॉइंग में से एक आमतौर पर धातु प्लास्टिक या गत्ते का बना होता है। हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी। यहाँ हम उस ग्लोब का अध्ययन करेंगे जो पृथ्वी की भूगोल का प्रतिनिधित्व करता है। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। क्योंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार समान है, एक ग्लोब पृथ्वी की भूगोल को एक सपाट नक्शे से बेहतर ढंग से प्रदर्शित करेगा। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। आइए अब इसकी कुछ विशेषताओं का अन्वेषण करें। ए अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को समझना। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन विद नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज। किसी शहर या कस्बे में एक बड़े बाजार की कल्पना करें जिसमें दुकानों की साफ सुथरी कतारें हों, सभी एक ही आकार की हों। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। आप बाजार के अंदर एक स्टेशनरी दुकान पर एक मित्र से मिलना चाहते हैं। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। लेकिन आपके मित्र को दुकान का स्थान नहीं पता। सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। तो आप इस तरह से दिशा देंगे, मुझसे मिलें शाम 6 बजे बाजार के प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमिन योर लोकेशन। यह आपके मित्र को आपके स्थान को सही ढंग से निर्धारित करने की अनुमति देगा। नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड। अब शतरंज के बोर्ड पर विचार करें। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस्ड प्लेयर्स लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंग साइड द मेन पीसेज फ्रॉम A to H। सी द इमेज एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 इन बिटवीन द 2 साइड्स। उन्नत खिलाड़ियों द्वारा चालों को रिकॉर्ड करने के लिए मुख्य टुकड़ों के साथ अक्षर A से H छवि देखें और दोनों पक्षों के बीच में संख्याएं 1 से 8 लगाई जाती हैं। दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। यह सरल प्रणाली प्रत्येक वर्ग को चिन्हित करने और प्रत्येक चाल को रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है। हेयर द वाइट साइड हैज जस्ट ओपन्ड द गेम बाय मूविंग द क्वींस पॉन 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड अ वेरी कॉमन ओपनिंग सो द पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 to D4। यहाँ सफ़ेद पक्ष ने खेल की शुरुआत रानी के प्यादे को 2 वर्ग आगे बढ़ाकर की है, एक बहुत ही सामान्य उद्घाटन। इसलिए प्यादे को D2 से D4 तक बढ़ा हुआ कहा जा सकता है। द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जाम्पल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों उदाहरणों में उपयोग किए गई प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जा सकता है। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। इनके 2 निर्देशकांकों की वजह से स्टेशनरी की दुकान और शतरंज के बोर्ड पर शतरंज का चौकोर स्थान भी सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप। नक्शों की दुनिया में किसी भी स्थान के स्थान को निर्धारित करने के लिए
एक समान निर्देशांक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। आइए देखें कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। बी लैटिट्यूड्स, अक्षांश। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। आइए ग्लोब पर वापस जाएं। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। इस पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पहचानना आसान है। रोटेट द ग्लोब व्हाइल इट रोटेट्स। द फिक्स पॉइंट्स एट द टॉप एंड बॉटम आर द टू पोल्स। ग्लोब को घुमाएं। जब यह घूमता है तो ऊपर और नीचे स्थिर बिंदु दो ध्रुव होते हैं। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर। नोट द सर्कल मार्किंग इट, सी फिगर 1.3। इनके बीच आधे रास्ते में भूमध्य रेखा है। इसके चिन्हित वृत्त को देखें, चित्र 1.3 देखें। इमेजिन डेट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस। कल्पना करें कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। आपकी दूरी भूमध्य रेखा से बढ़ती है। लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अक्षांश उस दूरी को भूमध्य रेखा से मापता है। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन डेट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर आप एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो पूर्व और पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर चलती है। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। ऐसी रेखा को अक्षांश का समानांतर कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। वृत्त मीन्स सर्कल। अगेन इट इज ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब डैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड फिगर 1.3। फिर से यह ग्लोब पर नोट करना आसान है कि सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा है जबकि अक्षांश के समानांतर चिन्हित वृत्त छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। चित्र 1.3। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री वाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ द टू पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। दिस इज नोटेड 90 डिग्री N एंड 90 डिग्री S। अक्षांश को अंशों में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से भूमध्य रेखा अक्षांश 0 डिग्री 0 डिग्री है जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण हैं। इसे 90 डिग्री N और 90 डिग्री S लिखा जाता है। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड। भूमध्य रेखा के आसपास जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। इसे उष्ण भी कहा जाता है। टोरॉइड इन हिंदी उष्ण। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीजेज द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट और टेम्परेट। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से एक ध्रुव की ओर यात्रा करते हैं दूसरे शब्दों में जैसे जैसे आपका अक्षांश बढ़ता है जलवायु अधिक मध्यम या समशीतोष्ण हो जाती है मीनिंग टेम्परेट। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोस कोल्डर और फ्रिजिड। और उत्तर या दक्षिण ध्रुव के करीब जलवायु ठंडी हो जाती है या फ्रिजिड। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। आप विज्ञान में सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और वर्ष के दौरान हम विभिन्न ऋतुएं क्यों अनुभव करते हैं। फिगर 1.3। दिस ग्लोब शोज बोथ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। चित्र 1.3। इस ग्लोब पर अक्षांश के समानांतर और देशांतर के अर्धवृत्त दिखाए गए हैं। सो यू कैन सी दिस इज प्राइम मेरिडियन, दिस इज नॉर्थ पोल 90 डिग्री N, दिस इज नॉर्थ लैटिट्यूड, दिस इज साउथ लैटिट्यूड, दिस इज ईस्ट लॉन्गिट्यूड, दिस इज वेस्ट लॉन्गिट्यूड, Atlantic Ocean, North America, Europe, Asia, Indian Ocean, Africa, and this is main equator. C longitudes, देशांतर। हिंदी में longitudes को कहते हैं देशांतर।
Imagine now that you travel from the North Pole to the South Pole by the shortest possible line. अब कल्पना करें कि आप उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक सबसे छोटी संभव रेखा के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं. Observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitude. Figure 1.3. They are all half circles running from one pole to the other. Globe पर ध्यान दें. आप देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के माध्यम से गुजरने के बजाय आप एशिया के माध्यम से भी जा सकते हैं. दूरी वही होगी. इन रेखाओं को देशांतर के अर्धवृत्त कहा जाता है. चित्र 1.3. ये सभी अर्धवृत्त एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक चलते हैं. यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस डैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. टू पुट इट सिंपली, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम आर ग्लोब. Focused on it and imagine that this is the sun illuminating the earth. आप विज्ञान में भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है. इसे सरलता से समझने के लिए हमारे ग्लोब से थोड़ी दूर एक डेस्क लैंप रखें. इसे उस पर केंद्रित करें और कल्पना करें कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाश दे रहा है. Slowly rotating the globe eastward, we can note that for some places on the earth it is morning, while for others it is midday, evening or night. When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in a third country people are fast asleep. ग्लोब को धीरे धीरे पूर्व की ओर घुमाते हुए हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के कुछ स्थानों पर सुबह होती है, जबकि अन्य स्थानों पर दोपहर, शाम या रात होती है. जब एक देश में नाश्ते का समय होता है तो दूसरे में दोपहर का भोजन होता है और एक तीसरे देश में लोग गहरी नींद में होते हैं. डेट इज़ वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस. लेट अस सी हाउ. यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर को मापते समय हम उस स्थान के समय को भी माप रहे होते हैं. आइए देखें कैसे. टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. फिगर 1.3 ऑन पेज 15. देशांतर मापने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु परिभाषित करने की आवश्यकता होती है जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. चित्र 1.3 पृष्ठ 15 पर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशंस डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंडन इन इंग्लैंड वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन. इट इज़ मार्क्ड एज 0° लॉन्गिट्यूड. इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ राष्ट्रों ने निर्णय लिया कि इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली मेरिडियन अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राइम मेरिडियन बनेगी. इसे 0° देशांतर के रूप में चिन्हित किया जाता है. जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन If you travel along the equator, जैसे अक्षांश एक ध्रुव की यात्रा करते समय भूमध्य रेखा से दूरी का माप है, वैसे ही देशांतर एक स्थान से प्राइम मेरिडियन की दूरी का माप है यदि आप भूमध्य रेखा के साथ यात्रा करते हैं. Longitude 2 is measured in degrees. Longitude भी डिग्री में मापा जाता है. Westward और eastward, it increases in value from 0° to 180°. विद द लेटर W और E एडेड. पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर यह 0° से 180° तक बढ़ता है जिसके साथ W या E अक्षर जोड़ा जाता है. फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज 74° W वाइल डेलीज इज 77° E एंड टोक्योज इज 140° E. उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क का देशांतर 74° W है जबकि दिल्ली का 77° ई और टोक्यो का 140° ई है. डोंट मिस आउट. ध्यान दें. एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180° W एंड 180° E आर द सेम लॉन्गिट्यूड. सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180° ओमिटिंग द लेटर W और E. जैसा कि आप लॉन्गिट्यूड के मेरिडियंस पर देख सकते हैं 180° W और 180° E समान लॉन्गिट्यूड होते हैं, इसलिए इस लॉन्गिट्यूड को
180 डिग्री लिखा जाता है बिना डब्ल्यू या ई अक्षर के। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर किसी स्थान के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। उनके साथ अब आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान को ढूंढ सकते हैं। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री एन लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। दीज वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ नॉट एग्जैक्ट। अब आप एक कथन को समझ सकते हैं जैसे दिल्ली 29 डिग्री एन लैटिट्यूड और 77 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। ये मान अनुमानित है, सटीक नहीं। फिगर 1.3 ऑन पेज 15 शोज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइंस। चित्र 1.3 पृष्ठ 15 पर ग्लोब पर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को नीली रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। ऑल दीज लाइंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइंस। ये सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब के लिए ग्रिड बनाती हैं। इन्हें ग्रिड लाइनें भी कहा जाता है। फिगर 1.4 दिस स्केच शोज हाउ द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स व्हाइल द इक्वेटर डिवाइड्स इट इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स। चित्र 1.4 यह फिगर दिखाता है कि प्राइम मेरिडियन कैसे पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करता है जबकि भूमध्य रेखा इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। डोंट मिस आउट, ध्यान दें। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है। देयर वर अदर्स इन द पास्ट। इससे पहले भी अन्य थे। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। फिगर 1.5 इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा और मिडल लाइन एंड पास्ड थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी टुडे उज्जैन विच वॉज अ रेपुटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज। वास्तव में यूरोप से कई शताब्दियों पहले भारत का अपना प्राइम मेरिडियन था। चित्र 1.5 इसे मध्य रेखा या मध्यम रेखा कहा जाता था और यह उज्जैन शहर से गुजरती थी जो कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। वराह मिहिर अ फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 ईयर्स अगो। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर वहाँ लगभग 1500 साल पहले रहते थे और काम करते थे। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर अ जीरो और प्राइम मेरिडियन। भारतीय खगोलविद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अवधारणाओं के बारे में जानते थे जिसमें शून्य या प्राइम मेरिडियन की आवश्यकता भी शामिल थी। द उज्जैनी मेरिडियन बिकेम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशंस इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। उज्जैन मेरिडियन सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणना के लिए एक संदर्भ बन गया। द मैप शोज अ फ्यू एंशियंट इंडियन सिटीज क्लोज टू द उज्जैनी मेरिडियन। नक्शा कुछ प्राचीन भारतीय शहरों को उज्जैन मेरिडियन के करीब दिखाता है। सम आर वेरी क्लोज टू इट व्हाइल अदर्स आर अ लिटिल अवे। कुछ इसके बहुत करीब हैं जबकि अन्य थोड़ी दूर हैं। डेट इज़ बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्ड एक्यूरेट टाइम कीपिंग विच वॉज नॉट एज प्रिसाइज देन एज इट इज़ टूडे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्गिट्यूड मापने के लिए सटीक समय की आवश्यकता होती थी जो उस समय उतनी सटीक नहीं थी जितनी आज है। फिगर 1.5 द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज्ड इन एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। सिटीज मार्क्ड विद द सर्कल आर मेंशनड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट एज बीइंग ऑन दिस मेरिडियन। द मॉडर्न नेम इज गिवन आफ्टर द ऑब्लिक बार। चित्र 1.5 प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में उपयोग की जाने वाली उज्जैनी प्राइम मेरिडियन गोले के साथ चिन्हित शहर खगोलीय ग्रंथों में इस मेरिडियन पर होने के रूप में उल्लिखित हैं। तिरछे बार के बाद आधुनिक नाम दिया गया है लाइक उज्जैनी, उज्जैन, महिष्मती, महेश्वर, रोहिताका, रोहतक, कुमारी, कन्याकुमारी। फिगर 1.6 दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्रीज आउटलाइन अलॉन्ग विद अ फ्यू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड।
India's latitudes extend approximately from 8 degree north to 37 degree north and longitudes approximately from 68 degree east to 97 degree east. The two colors have been added. चित्र 1.6 इस मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण ने प्रकाशित किया है जिसमें देश का खाका साथ ही कुछ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दिखाए गए हैं। भारत के लैटिट्यूड लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक और लॉन्गिट्यूड लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक फैले हुए हैं। दो रंग जोड़े गए हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, समय क्षेत्र को समझना। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। आइए ग्लोब को फिर से पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाएं। इसी तरह हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, प्रत्येक 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। 15 × 24 = 360। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है, इसलिए इसका मतलब है प्रति घंटे 15 डिग्री। 15 × 24 = 360। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। अब हम लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन हर 15 डिग्री पर चिन्हित करें। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 13 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट। प्राइम मेरिडियन से पूर्व की ओर बढ़ते हुए हमें 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व और इसी तरह हर 15 डिग्री पर 180 डिग्री पूर्व तक मिलते हैं। इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। इफ़ इट इज़ 12 PM ऑन नून एट ग्रीनविच, इट इज़ 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, 2 PM एट 30 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। यह प्रत्येक अर्धवृत्त के साथ एक घंटे का स्थानीय समय जोड़ने के समान है। अगर ग्रीनविच में 12 बजे या दोपहर है तो 15 डिग्री पूर्व पर 1 बजे का स्थानीय समय होगा, 30 डिग्री पूर्व पर 2 बजे और इसी तरह। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज़ द अदर वे राउंड, 11 AM लोकल टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM एट 30 डिग्री वेस्ट एक्सेट्रा। लेकिन पश्चिम की ओर जाते समय यह विपरीत दिशा में होगा, 15 डिग्री पश्चिम पर 11 बजे का स्थानीय समय, 30 डिग्री पश्चिम पर 10 बजे का स्थानीय समय आदि। फिगर 1.7, दिस ग्राफ शोज लॉन्गिट्यूड्स एट द बॉटम एंड द लोकल टाइम एट द टॉप विद रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री। ईच कलर इज अ जोन ऑफ 15 डिग्री सेंटर्ड ऑन अ मेरिडियन। चित्र 1.7, इस ग्राफ में निचले हिस्से में देशांतर और ऊपरी हिस्से में स्थानीय समय को प्राइम मेरिडियन पर 0 डिग्री के संदर्भ में दिखाया गया है। प्रत्येक रंग का एक मेरिडियन पर केंद्रित 15 डिग्री का क्षेत्र है। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसी विधि का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना के लिए किया जा सकता है। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। लेकिन यह एक देश के लिए कई स्थानीय समयों का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं होगा। That is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them. यही कारण है कि अधिकांश देश एक मेरिडियन से गुजरने वाले एक मानक समय को अपनाते हैं। Indian standard time IST is 5 hours 30 minutes, also noted 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich, called Greenwich Mean Time or GMT. भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के स्थानीय समय, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम या GMT कहा जाता है, से 5 घंटे 30 मिनट या 5.5 घंटे आगे है। ये सभी मानक समय समय क्षेत्रों में संगठित होते हैं। ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स विच ब्रॉडली फॉलो द जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ फिगर 1.7। बट लेट अस कंसिडर द वर्ल्ड मैप बिलो फिगर 1.8। वी कैन सी डैट द लाइन्स डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। ये सभी मानक समय समय क्षेत्रों में संगठित होते हैं जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्रों को मोटे तौर पर फॉलो करते हैं। चित्र 1.7। लेकिन आइए नीचे दिए गए विश्व मानचित्र चित्र 1.8 पर विचार करें। हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूरी तरह से सीधी नहीं हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट
each country's standard time and therefore tend to follow international borders. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें प्रत्येक देश के मानक समय का सम्मान करना होता है और इसलिए वे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अनुसरण करने की प्रवृत्ति रखते हैं. द नंबर्स रिटन इनसाइड सम कंट्रीज आर द नंबर्स ऑफ आवर्स टू बी एडेड टू GMT टू गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम्स इफ दे हैव अ पॉजिटिव साइन और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GMT इफ दे हैव अ नेगेटिव साइन. कुछ देशों में अंदर लिखे गए नंबरों का अर्थ है GMT में जोड़े जाने वाले घंटों की संख्या यदि उनके पास सकारात्मक चिन्ह है, या GMT से घटाए जाने वाले घंटों की संख्या यदि उनके पास नकारात्मक चिन्ह है. फिगर 1.8 अ वर्ल्ड मैप ऑफ द टाइम जोन्स शोइंग द स्टैंडर्ड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर अ फ्यू कंट्रीज. नोट डैट इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर अप्रॉक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट. चित्र 1.8 समय क्षेत्रों का विश्व मानचित्र जिसमें कुछ देशों के लिए GMT के संबंध में मानक समय दिखाए गए हैं. ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अनुमानित हैं, सटीक नहीं. सो फ्रेंड्स, हेयर इज इंडिया एंड वी हैव +5.5 hours विद रिस्पेक्ट टू GMT. डोंट मिस आउट. ध्यान दें. फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम. ऊपर के स्पष्टीकरण से ऐसा लग सकता है कि प्रत्येक देश के पास एक मानक समय होता है. डैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस. ऐसा हमेशा नहीं होता. Some countries like Russia, Canada or the USA are too large to have a single time zone. कुछ देशों जैसे रूस, कनाडा या अमेरिका का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि उनके पास एक समय क्षेत्र नहीं हो सकता. The USA has 6 time zones and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं और रूस में 11, जिसका अर्थ है कि रूस में पूर्व से पश्चिम तक यात्रा करने पर आपको स्थानीय समय के साथ अपनी घड़ी को 10 बार पुनः समायोजित करना होगा, यानी कि समय के साथ अलाइन करना होगा. सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 सेंटर्ड ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर अ फ्यू कंट्रीज. इसी तरह चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के लिए GMT के संबंध में मानक समय दिखाता है. फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्स्ड एट ग्रीनविच द अपोजिट लाइन एट अप्रॉक्सीमेटली 180 degrees लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. अंत में जबकि प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच पर तय किया गया था, विपरीत रेखा लगभग 180 degrees देशांतर पर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है. As you can see on the map, the +12 and the -12 time zones touch each other at this line. जैसा कि आप मानचित्र पर देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर मिलते हैं. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. यदि आप इसे जहाज या विमान द्वारा पार करते हैं, तो आपको अपनी घड़ी में तारीख बदलने की आवश्यकता होती है. If you cross it traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day, from Sunday to Monday. यदि आप इसे जहाज या विमान द्वारा पार करते हैं, तो आपको अपनी घड़ी में तारीख बदलने की आवश्यकता होती है. यदि आप इसे पूर्व की ओर यात्रा करते हुए पार करते हैं, तो आप एक दिन घटाते हैं, मान लीजिए सोमवार से रविवार तक. यदि आप इसे पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए पार करते हैं, तो आप एक दिन जोड़ते हैं, रविवार से सोमवार तक. वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली एट 180 degrees लॉन्गिट्यूड एज इट डेविएट्स इन प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू टू डिफरेंट डेज. हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 degrees देशांतर पर है, क्योंकि यह कुछ स्थानों पर विचलित होती है ताकि कुछ देशों को दो अलग अलग दिनों में विभाजित करने से बचाया जा सके. फिगर 1.9 अ फ्यू टाइम जोन्स विद रिस्पेक्ट टू GMT इन अफ्रीका एंड यूरेशिया. चित्र 1.9 अफ्रीका और यूरेशिया में कुछ समय क्षेत्र GMT के संबंध में. बिफोर वी मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले, मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज. The main components of maps are distance, direction and symbols. नक्शे पृथ्वी के किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है.
चाहे वह छोटा हो या बड़ा। नक्शों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक हैं। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ अ लोकेशन विच कैन बी प्रिसाइजली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर एंड नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल टू पोल रिस्पेक्टिवली। पृथ्वी पर हर स्थान का एक स्थान होता है जिसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ग्रिड की मदद से सटीक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। काल्पनिक रेखाएं जो क्रमशः पूर्व से पश्चिम, भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक चलती हैं। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन्स। लॉन्गिट्यूड्स भी समय को चिन्हित करता है और समय क्षेत्रों को परिभाषित करता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड अपोजिट द प्राइम मेरिडियन। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंजेस द डेट बाय वन डे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है प्राइम मेरिडियन के विपरीत। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने से तारीख एक दिन से बदल जाती है। सो फ्रेंड्स, आवर चैप्टर इज कम्प्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।